हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक मज़मून लाई हूँ ईद उल फ़ित्र पर। तो पेश है, ईद उल फ़ित्र मुसलमानों का बहुत ही मशहूर और मखसूस त्यौहार है जो दुनिया के कोने कोने में मनाया जाता है। इसको बच्चे मीठी ईद भी कहते हैं। ईद से पहले रमज़ान का महीना आता है। इसमें मुसलमान पूरे रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं और जब 29-30 दिन इबादत के गुजर जाते हैं तब ईद का चांद दिखाई देता है। मुसलमान खुश हो जाते हैं कि उनकी इबादत का पूरा महीना साथ खैरियत गुजर गया और इस खुशी में वो ईद का त्यौहार मनाते हैं। ईद उल फ़ित्र का त्यौहार बहुत ही मकबूल है। इस दिन सब लोग ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। इस दिन नया कपड़ा पहनना सवाब है। ईद की नमाज़ पढ़कर सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। बच्चों को ईदी मिलती है उस जिसको वो खाने या खिलौने में खर्च करते हैं। हर मुसलमान पर गरीबों व मिसकीनों की मदद करना फ़र्ज़ है। शहरों का में ईद का मेला लगता है। इस मेले में बच्चे बड़े सब जाते हैं। मेले में मुख्तलिफ किस्म की दुकानें लगती हैं। ईद के दिन मिठाइयाँ और मुख्तलिफ किस्म के पकवान पकते हैं, लेकिन ख़ास चीज़ है सिवैयाँ। इस दिन अहबाब व रिश्तेदारों को सिवैयाँ खिलाई जाती है। इस त्यौहार में अमीर गरीब, छोटे बड़े और का इम्तियाज़ नहीं होता और सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। सभी हसास बशास नज़र आते हैं। ये मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे मुकद्दस व पाक साफ त्यौहार है। इसमें हमें हर मज़हब व मिल्लत के लोगों से खुशी से गले मिलना चाहिए।